दोस्तों, आज मैं फोर्ड फिगो एस्पायर और फोर्ड फिगो फ्री स्टाइल की जो इश्यू है उसको रीड एंड राइट के लिए मैं आपको विदाउट ओपन किए वीडियो में प्रोसेस दिखाऊंगा। और ये इसके अंदर जो एमसीयू है, इसके अंदर एमसीयू जो है वो है ट्राइकोर 1797। और इससे जो पहले अर्लियर जो मॉडल आता था उसके अंदर आता था TC 1796। ठीक है, अब पहले क्या होता था, इसको ECM को पूरा यहाँ से ओपन करके और रीड करना पड़ता था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी जाती थी और डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा थे। पर अभी मैं इसको बिना खोले इस ECM को रीड एंड राइट करूँगा। एंड तक बने रहिए वीडियो में, इसका जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस दिखाऊँगा। दोस्तों, मैंने ये कनेक्शन कर लिए हैं, ये जो पावर के कैन के और ग्राउंड के और GPT के, ये मैंने कनेक्शन कर लिए है। और अभी अपन आगे जाएंगे इसको रीडिंग के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि HN1A का अपना जो हार्डवेयर है वो डिटेक्ट हो गया, आइडेंटिफाई इश्यू हो गया। अभी अपन आगे प्रोसेस इसका रीडिंग के लिए जाएंगे। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, फुल बैकअप में ही जाता हूँ, रीड बैकअप में जाता हूँ। ये मैप्स के लिए या माइक्रो के लिए, एप्रोम के लिए अलग अलग नहीं करता हूँ, मैं फुल बैकअप लेता हूँ। जब भी अपने को ज़रूरत पड़ती है तो फुल बैकअप ही अपने लिए ठीक रहता है। तो इसको मैं फुल हमेशा जो भी होता है फुल बैकअप में ही अपने को लेना है। और ये जो इसका है वो CDC TC 1797 फोर्ड, और ये TSM जो हमारा सर्विस मोड का जो इसका सॉफ्टवेयर का होता है वो है। ये मैं रीड बैकअप में डालता हूँ। N1A का जो अपना हार्डवेयर डिटेक्ट हुआ यही अपने को यहाँ मिल जाएगा, ये इश्यू के ऊपर ही मिल जाएगा, HN1A 12B। और 12B ये सेम टू सेम अपने को, ये जो इसका हार्डवेयर है और ये भी यहाँ पे हार्डवेयर है, ये अपना रीडिंग के लिए। और इधर इश्यू अपना रीडिंग चालू हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इश्यू को पहले आइडेंटिफिकेशन इन प्रोग्रेस कर रहा है और ये अभी आपका रीडिंग स्टार्ट हुआ है इसका। तो ये क्या कर रहा है, पहले रीडिंग बैकअप ले रहा है, अभी ये माइक्रो को रीड कर रहा है। ये जब तक ये माइक्रो रीड करके कंप्लीट करेगा और उसके बाद में अपने को ये फाइल रीड होने के बाद अपने को जहाँ पर भी सेव करना है तो इसमें भी दो आएगा। जैसे अभी आप कंप्लीट आगे देखोगे तो जैसे 100% होने के बाद में ये पूछेगा कि आपको खाली एक बैकअप चाहिए या उसको सेपरेट करना है या आपको कैसे करना है। और ये है अपना इसका जो EEPROM रीड कर रहा है, ये EEPROM रीड हो जाएगा और इसके बाद में अपने को सेव का ऑप्शन बताएगा। रीडिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसका सेव करना है। तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा फिगो एस पायर 2020 ADC 17C10। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ सेव द फाइल्स सेपरेटली। आपको पहले तो अपन ने क्या किया था, बैकअप लिया था एक ही फाइल का था, पर अभी क्या कह रहा है कि माइक्रो अलग हो सकता है और EEPROM अलग हो सकता है। तो हमेशा ये भी आप, अगर आपको माइक्रो लेना है तो मैं तो हमेशा सेपरेट कर लेता हूँ इसको, और ऑपरेशन हो गया कंप्लीट। तो ये फाइल है तीनों इश्यू से एक्सट्रैक्ट होकर के यहाँ सेव हो गई है। मैंने ये जो फोर्ड फिगो के नाम से फोल्डर बनाया, इनमें EPR, MPC और OE फाइल, OE फाइल वही जो बैकअप फाइल जो मेन था, और MPC और EPR ये दोनों अलग होती है, मतलब ये जो अपना बैकअप फाइल की सेपरेट फाइलें हैं, इसके अंदर जो कंबाइन बैकअप फाइल होती है दोनों फाइलों की। तो इन फाइलों को आप, जैसे MPC को राइट करना है तो MPC को आप ब्राउज करके राइट कर सकते हैं, या फिर EPR को ब्राउज करके राइट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।